नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। जो आपकी वाकई में सपनों की जिंदगी है उसे आप कैसे क्रिएट करें विद दिस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं आपको बताऊं, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं जो विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती है, और उन वीडियोस को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल, क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि सर क्या सच में विजुअलाइजेशन काम करता है? हमने इसकी वीडियोस को देखा, समझा, अप्लाई किया, लेकिन कभी कभी तो हमारी जिंदगी में कुछ थोड़े थोड़े रिजल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये रिजल्ट्स नहीं क्रिएट हो पाते। सो व्हाई एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग? क्या ये काम भी करता है या ये काम नहीं करता, और कैसे हम इसे बेहतर ढंग से समझें? आज मैं उसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज दिस पावर टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। सबसे पहली वीडियो में, यानी कि इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि हाउ थॉट्स बिकम्स थिंग्स, यानी कि कैसे आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स चलते हैं वो एक्चुअल वर्ल्ड में रियलिटी का शेप ले लेते हैं, यानी कि वो चीजें क्रिएट हो जाती हैं, बिल्ड हो जाती हैं जो आपके माइंड में चल रहा है। इसके बाद के और क्या स्टेप्स हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देयर आर फोर मोर स्टेप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बारे में ही मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ओपन माइंड के साथ उसे समझना शुरू करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूं, हाउ थॉट्स बिकम्स थिंग्स। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज जो है विजुअलाइजेशन के बारे में समझने की, दैट इज कि आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं वो ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में रियलिटी का फॉर्म ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको सबसे पहले उस बिल्डिंग का एक मैप बनाना होगा, और उस मैप के बनने से भी पहले आपको अपने माइंड में वो बिल्डिंग की एक इमेजिनेशन क्रिएट करनी होगी, और उसके बाद ही वो चीजें हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपके माइंड के अंदर आपके थॉट्स होने चाहिए जो विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो, जिससे आप क्या एक्चुअली चाहते हैं उनको अपने माइंड में पूरी तरीके से प्लान कर सके, राइट? नाउ जब आप इस फर्स्ट स्टेप को पूरा कर चुके हैं तो सेकंड स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकंड स्टेप इज यू शुड होप फॉर योर ड्रीम लाइफ, यानी जो आपकी सपनों की जिंदगी, आपने कुछ अपने माइंड में कुछ इमेजिनेशन की है, कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट की है कि ये मेरी ड्रीम लाइफ है, ये ऐसे होनी चाहिए। तो दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके अंदर एक होप होनी चाहिए कि यस This is going to happen. ये होना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार हम अपनी जिंदगी में एफर्ट कर रहे होते हैं किसी चीज को पाने के लिए, लेकिन हमारे अंदर अगर होप नहीं होती तो वो चीज हम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो होप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको बताऊं, जब भी हम बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए या निगेटिव सोचना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जब आप उसके लिए होप करते हैं कि यस दिस कैन बी रियलिटी, ये होने वाला है जिंदगी में, तो आप पॉजिटिव लेवल ऑफ फीलिंग्स में हैं। और मैंने कुछ वीडियोस में ये बात की है कि व्हेन यू आर एट द पॉजिटिव लेवल ऑफ फीलिंग्स, आपका यूनिवर्स के साथ एक अलग ही तरह का इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन होता है एनर्जी लेवल पे, एनर्जी डायनेमिक्स के लेवल पे, और वो आपकी जिंदगी में उन चीजों के करीब आपको लेके आती है जो आपके ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए सच में आपको हेल्प कर सकती है, राइट? इसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, डेप्थ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी इस वीडियो में मैं बात करूं तो ये वीडियो शायद कई आवर्स की हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली इसे समझ के रिजल्ट क्रिएट करने के डायरेक्शन में जाइए कि यू शुड होप फॉर योर ड्रीम लाइफ। आपको उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ, ये जिंदगी सच में क्रिएट हो सकती है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट? उसके बाद आपको जाना होगा थर्ड स्टेप पे। और थर्ड स्टेप क्या है मैं आपको बताऊं, थर्ड स्टेप इज मैसिव एक्शन। यानी कि क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में जिसमें आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, अगर आप उसके डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे, आप मैसिव एफर्ट नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को कभी भी अचीव नहीं करें, और मुझे पता है आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, उससे बात आपको समझ में आएगी। बहुत सारे लोग बात करते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में, और वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो इस पावर को यूज करते हैं। इस बात को कई बार जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सही की जगह हम इसकी कुछ मिसकॉन्सेप्शन को समझ लेते हैं। आपको बताऊं क्या,
कि ये कंपनी सच में जानती है कि विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये कब इस पावर को यूज करती है व्हेन दे आर प्लानिंग कि अब नेक्स्ट ईयर का हमारा आउटकम क्या होगा, व्हाट इज आवर टारगेट, हमारा गोल क्या है जिसके ऊपर हमें काम करना है। उस समय ये अपने पूरी इमेजिनेशन की पावर को लगाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, कैसे क्या होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप पे वो क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि एम्प्लॉयज को मॉर्निंग में 9 o'clock बुलाया और कहते हैं चलो अब सब 2 घंटे बैठ के विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। ऐसा करते हैं क्या वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो करते क्या है कि वो मैसिव एफर्ट लगाते हैं, वो मैसिव एक्शन करते हैं कि यस ये गोल को अगर अचीव करना है तो अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अब मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। और वो सारी की सारी टीम को एक्शन में ड्राइव करते हैं, यानी कि एक्शन मोड में लेके जाते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके विजुअलाइजेशन के लिए, थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आपने जब डिसाइड कर लिया कि व्हाट यू वांट, आपने उसके लिए एक उम्मीद रखी कि यस दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होना ही चाहिए मेरी जिंदगी में, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो तीसरा काम है मैसिव एक्शन लेना, आपको मैसिव एफर्ट लगाना है अपने एंड रिजल्ट की तरफ, आपको अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, आपको अपने एक्शन प्लान को बिल्ड करना है कि अगर मुझे ये चाहिए तो ये जर्नी के लिए मेरे स्टेप्स क्या होंगे, मेरे एक्शन क्या होंगे। और उस डायरेक्शन में एक ही कदम जब आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मैसिव एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ सोच है और एक्शन नहीं है तो एक्चुअली आप अपने माइंड को ही एक मैसेज दे रहे हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं हूं इस चीज को अचीव करने के लिए। क्योंकि आपके माइंड को कब पता चलेगा आप सीरियस हैं, जब आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं और आप एक्शन भी ले रहे हैं। अगर एक्शन नहीं है तो माइंड इज गेटिंग द मैसेज कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस थिंग। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप चेक करके देखिए आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ डिसाइड किया है, आपने एक्शन नहीं लिया है और कुछ टाइम के बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो गया है और फिर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आप दोबारा से फिर से वही गोल को बनाते हैं और फिर से एक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को एक्शन मोड में नहीं डाला। तो यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन द एफर्ट जोन, इन मैक्सिमम एफर्ट जोन, मैक्सिमम एक्शन लेना है, एफर्ट करना है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ये तीनों चीजों को जब आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो अभी फोर्थ पॉइंट क्या आता है मालूम है आपको? फोर्थ है कि व्हेन यू आर पुटिंग मैसिव एफर्ट्स फॉर योर गोल, ये आपका गोल है और आपने इसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिश की, आपने मैक्सिमम एफर्ट किया, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपको कुछ रिजल्ट्स मिले जो आपके गोल के डायरेक्शन में है, या हो सकता है आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसे हम कई बार फीडबैक कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग व्हाटएवर रिजल्ट्स, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग रिजल्ट्स। आप क्या कर रहे हैं? आप रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट आपके मन मुताबिक हो या ना हो। हो सकता है जो आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में वो रिजल्ट नहीं हो, कुछ उससे डेविएटेड हो, कुछ 5 degrees 10 degrees डिफरेंट डायरेक्शन में हो, लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ रिजल्ट। तो आपको क्या समझना है कि जो भी रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, दिस इज अगेन बिल्डिंग अ फाउंडेशन। मैं यहां पे था और यहां से इस लेवल पे आ गया, अब मुझे इसके आगे की जर्नी कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, ये आपको इस फीडबैक से लर्न करना है और अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करना है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करें, कैसे आप अपने एंड रिजल्ट की तरफ मूव करें। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स को, वो फीडबैक को आप लीजिए, वहां से लर्न करिए कि व्हाट एग्जैक्टली वर्क एंड व्हाट एग्जैक्टली डिड नॉट वर्क। जो मैंने एफर्ट लगाया उसमें से क्या चीजें मेरे लिए काम कर गई, क्या चीजें मेरे लिए काम नहीं की, और कैसे मैं इनको रिफाइन करूं और वापस उस ट्रैक पे जाऊं जिससे रिजल्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये है आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ। एंड नाउ द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वो ये है कि आप अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए मैसिव एफर्ट कर रहे हैं, पूरा एक्शन कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। हो सकता है वो आपके मन के मुताबिक, हो सकता है नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो चीज होती जा रही है वो ये हो रही है कि यू आर ग्रोइंग फ्रॉम विद इन, यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। आपका गोल, आपका ड्रीम अचीव हो या अचीव ना हो, सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती है। सक्सेस का एक्चुअल मतलब है कि वो आपके डेवलपमेंट के बारे में है, हाउ एग्जैक्टली यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ। आप कितना ज्यादा अंदर से डेवलप हुए हैं, आप कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, आपकी विजडम कितनी ज्यादा डेवलप हुई है, आपके माइंड का फोकस कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, आप कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करना सीख चुके हैं, ये सारी चीजें हैं एक्चुअली सक्सेस का इंग्रेडिएंट। आप समझ रहे हैं इसे? तो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ, दो चीजें होंगी, या तो आपको वो जिंदगी मिल जाएगी और
और या तो वो जिंदगी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आई मे साउंड सम व्हाट नेगेटिव, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली यही सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि वो जिंदगी क्रिएट हो या वो जिंदगी क्रिएट ना हो, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो रोल प्ले करती हैं विच डू नॉट लाई इन आवर सर्कल ऑफ कंट्रोल। वो हो सकता है सर्कल ऑफ नो कंट्रोल को बिलोंग करती हैं, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अपने किसी गोल के लिए लगा हुआ हूं और अचानक से अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक इज नॉट इन माई कंट्रोल, लेकिन क्योंकि मैं अपने गोल की तरफ लगा हुआ था इसलिए जो भी एफर्ट्स मैंने किए उसने मुझे बिल्ड किया, एंड दिस इज अल्टीमेट सक्सेस। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ड्रीम लाइफ है, गोल है, उसकी तरफ आपको काम करना है, पूरी उम्मीद रखनी है, मैसिव एक्शन लेना है, रिजल्ट जो आ रहा है उसे लर्न करना है और वापस उस डायरेक्शन में काम करना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि सक्सेस इज नॉट एट द डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द जर्नी विच इज ग्रोइंग यू, विच इज डेवलपिंग यू। यानी कि सक्सेस आपके खुद का डेवलपमेंट है, वही सक्सेस है, उसी के साथ हैप्पीनेस को अटैच करना है आपको, अपने डेस्टिनेशन के साथ नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है और उसने पूरी हैप्पीनेस को कनेक्ट करके रखा हुआ है कि बस जब मैं क्लास में टॉप करूंगा तभी मैं खुश होऊंगा। तो आपने मालूम है उसने क्या किया, उसने एक साल के टाइम को डिले कर दिया है अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप समझ रहे, यानी कि फॉर वन ईयर ही इज नॉट एंजॉइंग हैप्पीनेस, वो तो सिर्फ एंड रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एंड रिजल्ट के बारे में ही सोच रहा है कि वहीं पे खुशी मिलेगी। और आपने भी ऑब्जर्व करके देखा होगा कि जब ऐसा कुछ रिजल्ट मिल भी जाता है तो वो खुशी कितने दिन लास्ट करती है, हार्डली 2 या 4 दिन। उसके बाद यू अगेन फाइंड समथिंग एल्स कि अब इसके लिए मुझे काम करना है। तो डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए कि आपने एक माइलस्टोन बनाया और फिर अगला माइलस्टोन बनाया, फिर अगला माइलस्टोन बनाया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है करने के लिए वो ये है कि आपको करना क्या है, कि आपको इस जर्नी में खुश रहना है, आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है कि यस ये ड्रीम लाइफ को मैं क्रिएट कर रहा हूं और हर रोज मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूं और इससे मुझे हैप्पीनेस, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या कमाल का चेंज आएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें डिसाइड की हैं कि ये चीजें मुझे करनी है, बट आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट डेस्टिनेशन कि जब वो हो जाएगा फिर मैं इस खुशी को एंजॉय करूंगा। आई एम हैप्पी एट ईच एंड एवरी मूवमेंट फ्रॉम विद इन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने हैप्पीनेस को कनेक्ट किया है किसके साथ, अपनी ग्रोथ के साथ। इफ ईच एंड एवरी डे आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ तो ये पूरी हैप्पीनेस मुझे वहां से मिल रही है। और यही सारी चीजें मिलके एक्चुअली आपकी जिंदगी को मैनिफेस्ट करती हैं, आपकी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करती हैं। बिकॉज व्हेन यू बिकम डिजर्विंग यू गेट रिजल्ट्स। जब आप डिजर्विंग बन जाते हैं इस यूनिवर्स में, आप वो चीजें जो चाहते हैं, जब आप उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाते हैं तो यूनिवर्स सब कुछ आपको डिलीवर कर देता है। And it is just like a science कि ये वाकई में अगर किसी एक्सपेरिमेंट को आपने स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से किया तो जो एंड रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होना ही होना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? So this is all about visualization and creating your dream life, कि कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करें, कैसे उन चीजों को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करें, कैसे उन हैबिट्स को डेवलप करें कि हम अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू करें। उस क्रिएशन को करने के प्रोसेस में ही आपको इसको जीना शुरू करना है, राइट? और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, तो आप समझिए कि आप एक्चुअली अपने माइंड की मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने में। मैं आपको बताऊं, मेरी एक वर्कशॉप होती है 2 डेज की, रीडिजाइन योर लाइफ, जो NLP बेस्ड है, जिस साइंस पर मैं काम करता हूँ। उसमें मैं लोगों को फर्स्ट सेशन में ये चीज कराता हूँ कि पेंट योर ड्रीम लाइफ, आपकी जो ड्रीम लाइफ है आप उसको ड्रॉ करिए, आप उसको पेंट करिए। और उसके बाद मैं उनको पूरी तरीके से हेल्प करता हूँ टू बिल्ड देयर स्ट्रेटजी, कि वो स्ट्रेटजी क्या है जिससे आप उस ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है, उसको आपको डिस्कवर करना है, अनलॉक करना है। और फिर उसके बाद मैं उनके माइंड को कंडीशन करता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली दे नीड टू टेक स्टेप बाय स्टेप एक्शन टू अचीव दैट ड्रीम लाइफ। और जब वो वर्कशॉप से बाहर जा रहे होते हैं तो उनके पास उनका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी होता है कि हाउ एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू अचीव देयर आउटकम। और यही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, क्योंकि यहाँ वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ 1-to-1 काम नहीं कर सकता, मैं वर्कशॉप में 1-to-1 काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो एसेंस है, जो कोर है, वो सब कुछ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन क्रिएट एंड लिव योर ड्रीम लाइफ। और यही मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में हो। यू शुड लिव दिस लाइफ एट इट्स फुल। बहुत कमाल की जिंदगी आप डिजर्व करते हैं, कमाल की जिंदगी, और आपको उसको जीना ही चाहिए, आपको उसको क्रिएट करना ही चाहिए। एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा एंगेज और बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ, टाइम टू टाइम आई रिप्लाई टू द क्वेश्चन जो भी आपने पूछे हैं।
तो ये सारी चीजों को, टूल्स को, टेक्निक्स को आप हेल्प करिए। बहुत सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब के ऊपर हैं ऑलरेडी, बहुत बहुत सारी वीडियोस हैं, मोर देन 100 वीडियोस आर देयर। आप उन वीडियोस को यूज कर सकते हैं अपने विजडम को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। आप बहुत सीरियस हैं तो आप किसी वर्कशॉप में आके ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन लर्न द टूल्स एंड टेक्निक्स, गेट पर्सनल हेल्प फ्रॉम मी, और अपनी जिंदगी को आप कमाल का क्रिएट करिए। आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आएगा, तो मुझे मालूम है आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। राइट, सो विद गुड विशेस, विद बेस्ट विशेस फॉर अ वंडरफुल लाइफ, आई विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।